अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब साबिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ तलहा सईद, पाकिस्तान सरायकी राइटर्स फोरम और प्रेस क्लब कोटद्दू के ज़ेर एहतमाम सरायकी वसीब के सजाग शायरों साफ़ी फारूक फलोज के साथ शाम व महफ़िल मुशायरा प्रेस क्लब कोटद्दू में हुआ, जिसकी सदारत सरायकी के खूबसूरत शायर सादिक हुसैन खान सादिक ने की, जिसके मेहमान खसूसी मीर आसिफ खान दस्ती, डिवीजनल सदर पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान और डॉक्टर उमर फारूक बलोच उम्मीदवार एम पी ए पी पी दुसत्तर थे। निज़ामत के फ़राइज प्रोफेसर अशरफ मशकूर ने सर अंजाम दिए। प्रोग्राम में मौजूद सादिक हुसैन सादिक शबीर शरर मंजूर सियार और शफीक शजरा कमसन प्रोफेसर अशरफ मशकूर शहजाद फैज शौकत आजिज वाजिद थलवी नूर नासिर अजहर कलाची इकबाल नासिर नवाब मुज़्तर जवार हुसैन जोकी हाशिम सहराई शोएब जामी मुशाहिद हुसैन मुशाहिद खिजर गरमानी नवीद नुरकाशविश सैद गजनफर अब्बास हाशमी शाहिद सालमी मकसूद अहमद खान रियाज बाकरी मलिक मंजूर अंगड़ा जावेद बाकी ने अपना अपना कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की। सादिक हुसैन ने कहा कि फारूक बलोच नूरशाह कोटद्दू का खूबसूरत सजाग शायर है। डॉक्टर उमर फारूक बलोच ने कहा कि फारूक बलोच शायर के साथ साथ एक कमाल का सहाफ़ी और सोशल वर्कर है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी आवाम इन जागीरदारों को मुस्तरद करके किसी अपने में से लीडर लेकर नहीं आती, तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते।